हेलो गाइस, वेलकम एस वी कूल टैच। मैं उदी हैच, आप देख रहे हैं स्कूल टैच। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अमेजोन अकाउंट कैसे बनाएं दोस्तों, या अमेजोन अकाउंट क्रिएट कैसे करें, या न्यू आईडी कैसे बनाएं अमेजोन। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो दोस्तों, जैसे कि आप कोई भी शॉपिंग करते हैं अमेजोन पर, तो उससे पहले आपको अमेजोन आईडी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप वही अकाउंट कैसे बनाएं, तो दोस्तों आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आपको अमेजोन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर उसको डाउनलोड कर लेंगे। और उसको डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप लोग भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ एक सिंगिंग का भी ऑप्शन आया है। ऊपर आप थ्री डॉट पर भी क्लिक करेंगे, वहाँ से भी आप सिंगिंग कर सकते हैं, यानी कि न्यू अकाउंट। वैसे फिलहाल यहाँ पर सिंगिंग का ऑप्शन आ जाता है, उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो वही यहाँ पर नीचे की तरफ भी एक ऑप्शन है, तो वही इसमें उस पर क्लिक कर दिया हूँ। इस तरह का इंटरफेस आया है। तो वही यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है क्रिएट अकाउंट का। तो वही यहाँ मोबाइल नंबर, यानी अगर आप अभी कोई भी अकाउंट बनाए हुए हैं तो वहाँ पर ईमेल नंबर, आगे जाल का पासवर्ड, और आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर फिलहाल मेरे को न्यू अकाउंट बनाया है, तो मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करूँगा। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये वाला ऑप्शन आ रहा है, वैसे क्रिएट अकाउंट। तो गाइस, वैसे क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो उसका अकाउंट पर आएगा। तो गाइस, यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। यहाँ पर आप डाल सकते हो गाइस नेम, अपना स्टेट भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर ई मेल एड्रेस डालना है तो डाल सकते हैं, यहाँ पर पासवर्ड सेट करना होगा आपको अपने हिसाब से। दोस्तों, फिलहाल मैं अपनी इन्फॉर्मेशन सारी सेट कर देता हूँ। दोस्तों, मैं अपना देखो, यहाँ पर पहले नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अपना नेम डालना पड़ेगा। तो गाइस, मैं अपना नेम डाल देता हूँ। मेरा नाम है देखो गाइस धीरज शर्मा। वैसे मेरा नाम धीरज शर्मा है, तो गाइस मैंने यहाँ पर डाल दिया। वैसे यहाँ पर नीचे की तरफ स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर ली। वैसे मैं इंडिया से हूँ, तो मेरा इंडिया सेलेक्ट है। तो वैसे यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर, तो दोस्तों मैंने अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दे रहा हूँ। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दिया है। इस तरह से आप भी इस वीडियो को बना स्किप किए सुन से देखें। दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ ईमेल मांग रहा है, तो इस मेरे को फिलहाल भी कोई ईमेल नहीं डालना। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ एक सेट पासवर्ड, यानी एक पासवर्ड मांग रहा है, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, वैसे यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। तो इस तरह से आप भी अपना पासवर्ड बना लें। मैंने अपना पासवर्ड बना लिया है। वैसे यहाँ पर शो नाउ का ऑप्शन आया है, वहाँ से आप अपना पासवर्ड देख भी सकते हैं, या मेरा पासवर्ड गलत है या सही है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो चुकी है। वैसे यहाँ पर शो पासवर्ड वाले ऑप्शन क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल हमारा हो रखा है, यहाँ पर नीचे वाला ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई मोबाइल नंबर। वेरीफाई मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे कि मैंने क्लिक किया हूँ, मैंने क्लिक किया है, तो कुछ यहाँ पर OTP मांगा। तो गाइस, OTP वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। आपको जिस मोबाइल नंबर से आपका अकाउंट नहीं बनाया, वही मोबाइल नंबर पर आपका SMS जाएगा। वैसे तो उस पर आप एक OTP डाल देना है। तो गाइस, मैं अपना OTP डाल देता हूँ। वही रिसेंट OTP का भी ऑप्शन आया है नीचे। अगर आप मोबाइल नंबर नहीं भेजा हुआ तो रिसेंट OTP पर क्लिक करके आप दोबारा से भी पासवर्ड भेज सकते हैं। तो वैसे यार, फिलहाल मेरे पास पासवर्ड आ चुका है, तो मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो वैसे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। यहाँ पर नीचे ऑप्शन है क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। वैसे इस क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। देखो दोस्तों, आप लोग भी देखते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू शॉपिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। रेट नाव भी देख सकते हैं, आप मीड मी लेटर भी कर सकते हो। वही मैं मीड मी लेटर कर देता हूँ। वही जैसे कि मेरे को रेट नहीं देना है तो नहीं दें। वही यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने की बोला है, तो आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट अपने हिसाब से कर लें। आपको हिंदी या इंग्लिश में चलाना है, तो वैसे मेरे को इंग्लिश में चलाना है, तो मैंने सेफ चेंजेस पर क्लिक कर दिया है, तो मेरी लैंग्वेज इंग्लिश में सेट हो जाएगी। वैसे हो चुका है। वही यहाँ से आप अपने शॉपिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं वीडियो को लाइक करना चाहूँगा।